हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जुडिशरी गोल्ड। अक्सर स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि सर, सीपीसी इतना लेंदी है तो क्या हमको पूरे सीपीसी पर इक्वल फोकस करना है? देखिए, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि इसी जगह से सवाल पूछा जाएगा और इस प्रोविजन से सवाल नहीं पूछा जाएगा। सवाल तो कहीं से भी आ सकता है, मगर ये बात भी बिल्कुल सही है कि कुछ पोर्शन ऐसा है जिसमें ज्यादा फोकस करना जरूरी है, क्योंकि वो कंपैरेटिवली दूसरे प्रोविजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरी बैरक पढ़नी है, मगर फोकस कुछ चीजों पे ज्यादा करना है। आज इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि प्री और मेंस के कॉन्टेक्स्ट में किन किन जगहों से ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वहां पर आपको ज्यादा फोकस करना है। और ये बात मैं आपको बता दूं कि आपको रीडिंग पूरे बैरक की करनी है, बट जो प्रोविजन हम डिस्कस करने वाले हैं, जो मैं आपको बातें बताने वाला हूं, उसमें ज्यादा फोकस करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं सेक्शन नंबर 1 पे, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। शॉर्ट टाइटल, इस सेक्शन से सवाल बनने के चांसेस प्री में ही ज्यादा होते हैं। मेंस में यहां से कोई सवाल नहीं बनेगा, प्री में भी उतना चांस नहीं है, बट सवाल फिर भी यहां से पूछे जा सकते हैं कि भाई कमेंसमेंट कब से हुआ? तो 1 जनवरी 1909 से हुआ, ये हमको पता है। क्या जम्मू कश्मीर पर भी अप्लाई होता है? तो हाँ, ये वहां पर भी अप्लाई होता है। किस दिन से अप्लाई हुआ? तो 31 अक्टूबर 2019 से ये वहां पर अप्लाई हो गया, वहां पे एनफोर्समेंट में आ गया। ये सारे सवाल यहां से पूछे जा सकते हैं। और कहां कहां पर ये अप्लाई नहीं होता? तो नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में ये अप्लाई नहीं होता। ये सारे सवाल यहां से बन सकते हैं, ये प्री के सवाल है। मेंस में यहां से कोई सवाल नहीं बनेगा। आगे आ जाते हैं सेक्शन नंबर 2 पर, और सेक्शन नंबर 2 जो कि डेफिनेशन क्लॉज है, ये प्री मेंस इंटरव्यू सब जगह के लिए जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें सेक्शन नंबर 2.2 जो कि डिग्री को डिफाइन करता है, ये मेंस का भी सवाल है। और प्री में तो सवाल पूछे जा सकते हैं, 2-3 डिग्री होल्डर प्री में पूछा जा सकता है, 2-4 और 2-5 फॉरन कोर्ट फॉरन जजमेंट, ये भी यहां से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जज जजमेंट और जजमेंट डेटर, यानी कि 2-8, 2-9 और 2-10 यहां से इंपॉर्टेंट है, 2-11 इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी, 2-12 इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी, यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव और आपका मेन प्रॉफिट। इसके अलावा ऑर्डर जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिक्री जजमेंट, डिक्री ऑर्डर या ऑर्डर जजमेंट में आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो ये प्रोविजंस हो गए जो कि प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि प्री के लिए तो पूरा सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए ज्यादा फोकस उन पॉइंट्स पर करने हैं जो अभी मैंने आपको बताए हैं। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 3 पे जाते हैं, सबॉर्डिनेशन ऑफ कोर्ट बहुत खास नहीं है, प्री में यहाँ सवाल बन सकता है। सेक्शन नंबर 4 सेविंग क्लॉज में, इसमें मेंस में सवाल नहीं बनेगा, आपको प्री में इसकी हेडिंग पूछी जा सकती है। और ये भी पूछा जा सकता है कि भाई किन लॉस पर सीपीसी के आने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो स्पेशल और लोकल लॉस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेक्शन नंबर 4 इस बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 5 बात करता है एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू रेवेन्यू कोड्स, या रेवेन्यू कोड्स पर सीपीसी अप्लाई होता है, तो उन कोड्स पर अप्लाई होने वाला लॉ अगर साइलेंट है तो सीपीसी अप्लाई होगा, वरना नहीं होगा। मेंस में यहां से सवाल नहीं पूछा जाएगा। ऐसे ही 6, 7 और 8 की अगर अपन बात करें तो यहां पर आपके लिए हेडिंग जरूरी हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, अगर कभी जुडिक्शन पे सवाल आ गया तो उस कंडीशन में फिर आपको सेक्शन नंबर 6 लिखना पड़ सकता है। सेक्शन नंबर 6 पे स्पेसिफिकली सवाल आए मेंस में जरूरी नहीं है, मगर अगर कभी मेजरली ज्यूरिसडिक्शन पे सवाल आ गया तो हाँ बिल्कुल आपको सेक्शन नंबर 6 लिखना पड़ सकता है। ठीक है, ठीक है। अब आगे यहां से बढ़ते हैं तो आते हैं हमारे सेक्शन नंबर 9 से, हमारा जो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, देखते हैं सेक्शन नंबर 9, कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। याद रखना है कि पोर्शन प्री के लिए, मेंस के लिए और इवन इंटरव्यूज के लिए भी जरूरी है। यहां से आपको सवाल बनते हैं कि सूट ऑफ अ सिविल नेचर किसे कहेंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपको कुछ प्री में पूछा जा सकता है कि भाई इस लिस्ट में से बताओ कि कौन सा सूट ऑफ अ सिविल नेचर है, कौन सा सूट ऑफ अ सिविल नेचर नहीं है, ये आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसमें दो एक्सप्लेनेशन हैं, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कब जोड़ा गया है, 1976 में जोड़ा है, ये सवाल भी पूछा गया है। आपको याद रखना है कि जहां पर होली, एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट आपको बताता हूं कि जहां पर होली जो सूट है उसमें जो राइट डिटरमाइन होनी है, और जिस
मैटर इन इश्यू पर वो राइट डिपेंड है, वो होली, ये पूरा जो केस है होली रिलीजियस या पॉलिटिकल है, तो सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं कहलाएगा। अदरवाइज अगर मैटर इन इश्यू सिविल नेचर का है तो सूट सिविल नेचर का कहला जाएगा। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रख लेना है। और सेक्शन नंबर 9 आपको मैंने बता दिया, प्री मेंस और इंटरव्यू हर जगह के लिए जरूरी है। सेक्शन नंबर 10 अगेन, प्री मेंस और इंटरव्यू हर जगह के लिए जरूरी है। एक सवाल यहां से पूछा जाता है कि क्या सेक्शन नंबर 10 अप्लाई होगा अगर सूट फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है? द आंसर इज नो। फॉरेन कोर्ट में पेंडेंसी अगर है तो सेक्शन नंबर 10 एप्लीकेबल नहीं होता। रेस सब जुडाइस का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन नंबर 10 जो है उसकी हेडिंग पूछी जाती है, और कई बार इंसान कंफ्यूजन में उसको रेस सब जुडाइस मार्क कर देता है जबकि हेडिंग है स्टे ऑफ सूट। तो जरा ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सेक्शन नंबर 11 पे आते हैं, रेस जुडिकेटा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री मेंस और इंटरव्यू हर जगह के लिए जरूरी है, ये हर जगह के लिए पोर्शन जरूरी है, ठीक है। और इसमें टोटल 8 एक्सप्लेनेशंस हैं और उन 8 में से सवाल पूछ लिए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मर सूट या फॉर्मर केस किसे कहा जाएगा। आपको पता होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा कहां पर दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि अगर रिलीफ के बारे में कुछ कोर्ट साइलेंट है तो रिलीफ डिनाई कर दिया गया है, ये कहा जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो रेस जुडिकेटा कंसेप्ट है वो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पर भी अप्लाई होता है। तो ये आपको जरा ध्यान रख लेना, ये सारी बातें यहां से सवाल पूछे जाते हैं। रेस जुडिकेटा क्या रिट्स में अप्लाई होता है, और अगर रिट्स में अप्लाई होता है तो उसमें एक्सेप्शन कौन सा है? तो याद रखना, हैबियस कॉर्पस जो है वो एक ऐसी रिट है जिसमें रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है। रेस जुडिकेटा का जो कंसेप्ट है वो को प्लेंटिफ्स और को डिफेंडेंट्स के बीच में भी अप्लाई हो सकता है। रेस जुडिकेटा प्रो फॉर्मर डिफेंडेंट पर अप्लाई नहीं होता। ये सारे सवाल बने हुए हैं, ये सारे सवाल आपको ध्यान रखने। सेक्शन नंबर 12 की हेडिंग आपको याद रखनी है। सेक्शन नंबर 13-14 अगेन ध्यान रखना है, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए जरूरी है। और अगर इस पे सवाल पूछा जाता है तो आपको 2-5 और 2-6 यानी कि फॉरेन कोर्ट और फॉरेन जजमेंट उसको भी रेफर करना पड़ेगा अगर मेंस में लिखने के लिए आता है। तो आगे बढ़ जाते हैं, जो प्लेस ऑफ सुइंग की बात है तो देखिए सेक्शन नंबर 15 से स्पेसिफिकली क्वेश्चन मेंस में नहीं बनेगा, प्री में बन सकता है, तो उसकी रीडिंग आपको करनी है। 16 से मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, प्री में तो बन ही सकता है। तो 16 याद रखना, 16, 17, 18 साथ में चलते हैं क्योंकि ये तीनों बात करते हैं अचल संपत्ति से जुड़े हुए सूट कहां फाइल किए जाएंगे। 16, 17, 18 साथ में चलेंगे। हालांकि ये बात भी याद रखना, प्रिय सवाल पूछा गया है कि क्या 16 सिर्फ अचल संपत्तियों के मामलों से डील करता है? द आंसर इज नो। वो मूवेबल और इमूवेबल यानी कि चल और अचल दोनों संपत्तियों के मामलों से जो है डील करता है। तो 16 में आपको ये बात याद रखनी है। 17, 18 की हेडिंग प्री में पूछी जा सकती है तो उसको मार्क मार्क कर लेना, ध्यान रख लेना। 19 में मेंस में सवाल बन सकता है, 20 से मेंस में सवाल बन सकता है। सेक्शन नंबर 19 में 2 इलस्ट्रेशन है, दोनों प्री में पूछे गए हैं, आपको दोनों बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। सेक्शन 19 किस बारे में बात करता है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ या किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ कुछ रॉन्ग हुआ है तो सूट कहां पर फाइल होगा। दो ऑप्शन उसमें दिए हैं कि जहां पर वो रॉन्ग हुआ है वहां पर सूट फाइल किया जा सकता है, या जिसने रॉन्ग किया है वो जहां रिसाइड करता है या बिजनेस करता है या वर्क फॉर गेन करता है, अपना प्रॉफिट के लिए कुछ काम करता है, सूट वहां पर फाइल किया जा सकता है। ये सारी बातें 19 में लिखी है। 20 जो है वो रेसिडुअरी सेक्शन है, जहां पर 16, 17, 18, 19 अप्लाई नहीं होते, वहां पर 20 अप्लाई हो जाता है। याद रखना, जहां पर डिफेंडेंट या डिफेंडेंट्स रहते हैं वहां पर सूट फाइल हो सकता है, या जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहां पे सूट फाइल हो सकता है, और जहां पर कंपनी का प्रिंसिपल ऑफिस है वहां पे सूट फाइल हो सकता है, और जहां पर ब्रांच है और वहीं पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ तो वहां पर भी सूट फाइल किया जा सकता है। ये बात सेक्शन नंबर 20 के एक्सप्लेनेशन में दी हुई है, आपको ध्यान रखनी है। प्री मेंस इंटरव्यू सबके लिए जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, सेक्शन नंबर 21 ऑब्जेक्शन टू जुडिक्शन, क्या अपील में ले सकते हो? याद रखना, 21 कह सकता है तुम ऑब्जेक्शन तो ले सकते हो मगर ऑब्जेक्शन अलाउ तभी होगा जब तुमने लोअर कोर्ट में, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में, ये ऑब्जेक्शन अर्लीएस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे लिया होगा और फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ होगा तो तुम्हारा ऑब्जेक्शन अलाउ कर देंगे वरना नहीं करेंगे। सेक्शन 21 इसी बारे में बात करता है। 21A की आपको हेडिंग याद रख लेनी है। इसके अलावा 22 और 23 जो है इसमें बड़ी खास बात आपको याद रखनी है
कि अगर डिफेंडेंट चाहता है कि सूट ट्रांसफर हो जाए तो वो एप्लीकेशन कहाँ देगा, एप्लीकेशन कहाँ देगा, ये 23 में बताया गया है। पर साथ में आपको दुर्गेश शर्मा वर्सेस जेएससी का केस भी याद रखना है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर स्टेट बदल रहा है तो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में ही लाए करेगी और कहीं लाए नहीं करेगी। 24 और 25 की हम लोग बात करते हैं, ये जनरल पावर है ट्रांसफर। 24 का बड़ा खास सवाल है, पूछा जाता है कि 24 का पावर किसके पास है, याद रखना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट इनके पास पावर है, तो ये आपको ध्यान रखना। 24 में पावर किसके पास दिया हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास सेक्शन नंबर 25 में पावर है। तो ये हमारा 25 तक का पोर्शन हो गया। आपको मैंने बताया कि क्या क्या मेंस और क्या क्या प्री के लिए यहां पर जरूरी है। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, सेक्शन नंबर 26 पे आते हैं। तो सेक्शन नंबर 26 जो है इसमें प्री में सवाल बन सकता है। सेक्शन नंबर 26 को हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर नंबर 4 के साथ, ऑर्डर नंबर 4 के साथ पढ़ते हैं। आपको ध्यान रखना एक बड़ा खास सवाल जो है ऑर्डर 4 से बनता है, और वो सवाल ये है कि भाई सूट डुप्लीकेट में फाइल होगा, ये कहां पर दिया है, तो याद रखना ये ऑर्डर नंबर 4 में दिया हुआ है। ठीक है, ये कंफ्यूज करता है कि 26 में दिया है कि 4 में दिया है, तो याद रखना डुप्लीकेट में प्लेंट फाइल होगा, ये ऑर्डर नंबर 4 में दिया है। और याद रखना हर प्लेंट में फैक्ट्स को एफिडेविट से साबित किया जाएगा, ये 26 में दिया हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं सेक्शन नंबर 27, सेक्शन नंबर 27 30 डेज, यहां पर एक बात आपको याद रखनी है, 30 डेज में समन सर्व होना चाहिए, 27 में लिखा है। इसके अलावा 32 बड़ा इंपॉर्टेंट है, 32 प्री मेंस इंटरव्यू, इंटरव्यू में इतना खास नहीं है बट प्री और मेंस में तो 32 बहुत जरूरी है। इसमें याद रखना अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट ने कंपेल किया है, विटनेस को कंपेल किया है कि भाई कोर्ट में आओ, तो कंपल्शन के तरीके बताए हैं 32 में। और यहां पर एक बड़ा खास सवाल पूछा जा सकता है कि कितनी उस पर पेनाल्टी लेवी करी जा सकती है, याद रखना 5,000 तक की उस पर पेनाल्टी लेवी करी जा सकती है उसको कंपेल करने के लिए कि भाई तुम कोर्ट में आओ। तो 32 मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आते हैं सेक्शन नंबर 33 पर। 33 जजमेंट एंड डिक्री की बात करता है ना। तो एक सवाल यहां से बनता है व्हाट फॉलोज व्हाट, तो डिक्री फॉलोज जजमेंट। 34 इंटरेस्ट की बात करता है, यहां पर एक सवाल पूछ जाता है कितने परसेंट तक मैक्सिमम कोर्ट इंटरेस्ट लेवी कर सकता है, 6% आपको याद रखना है। हालांकि कमर्शियल मामलों में 6% से ज्यादा भी हो सकता है, बट जनरली 6% आंसर आपको मार्क करना है। कॉस्ट बात करते हैं, तो जनरल कॉस्ट सेक्शन 35 में दी है, कॉम्पनसेटरी 35A में दी है, और कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले 35B में दी है। एक तो तीनों की हेडिंग याद रखना है, और 35A में बड़ा खास सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भाई मैक्सिमम कितनी कॉम्पनसेटरी कॉस्ट लेवी करी जा सकती है, तो याद रखना मैक्सिमम 3,000। और जनरल आंसर क्या है कि 3,000 या कोर्ट का पिक्यूनरी जुडिक्शन विच एवर इज लेस, ये जनरल आंसर हो गया। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम 3,000 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर अब आपका एग्जीक्यूशन वाला पोर्शन चालू हो गया। तो यहां से 36 में सवाल प्री में पूछा जाता है कि भाई ऑर्डर्स कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, तो जैसे डिक्री एग्जीक्यूट होती है वैसे ही ऑर्डर भी एग्जीक्यूट होते हैं, अलग से प्रोविजंस नहीं है उसके लिए। 37 में मेंस में सवाल बनता है, 38 में जो है 38 में प्री में, देखो 38 में स्पेसिफिकली सवाल नहीं पूछा जाएगा, बट अगर आपसे मेंस में एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के बारे में पूछा गया तो 38 रेफर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, 39 में प्री और मेंस दोनों के लिए जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। मेंस में भी 39 जरूरी होता है कि भाई डिग्री ट्रांसफर करी तो डिग्री ट्रांसफर क्यों करी, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि डिग्री एग्जीबिशन के लिए कहीं और ट्रांसफर करनी पड़ी, ये इसका जवाब 39 में आपको मिल जाएगा, ये मेंस का भी सवाल है। इसके अलावा सेक्शन नंबर 40 की हेडिंग आपको याद रखनी है, प्री के लिए जरूरी है, मेंस में उतना काम नहीं आएगा। फिर इसके अलावा रिजल्ट ऑफ एग्जीबिशन 41 अगेन, ये सारे जो प्रोविजंस है ना ये आपको रेफर करने पड़ सकते हैं, स्पेसिफिकली इन सेक्शंस पे आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ जाओ, पावर ऑफ कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर डिग्री, पावर बिल्कुल वैसे ही रहेगा एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का जिस कोर्ट को डिग्री ट्रांसफर करी गई है, जैसे कि डिग्री उसी ने पास करी हो, कहां लिखा है 42 में लिखा है। ठीक है, इसके अलावा एक 44A आपको पढ़ना है, ये बहुत खास है, 45 की हेडिंग आपको याद रखनी है, और बहुत खास और बहुत इंपॉर्टेंट जो है
वो है सेक्शन नंबर 46, दैट इज प्रीसेप्ट। प्रीसेप्ट क्या होता है? एक आदेश होता है। जिस कोर्ट ने डिक्री पास करी है वो एक आदेश जारी करता है किसी दूसरे कोर्ट को, जिस के जुडिक्शन में जजमेंट डेटर की कोई प्रॉपर्टी होती है जिसे अटैच किया जा सकना है, जिसे अटैच किया जाने की आवश्यकता पड़ सकती है फ्यूचर में। तो कोर्ट कहेगा कि भाई तुम अभी से अटैच कर लो, भविष्य में आवश्यकता पड़ेगी तो देखेंगे। तो ये ऑर्डर कोर्ट ने अभी से जारी कर दिया कि तुम उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लो, फ्यूचर में उस प्रॉपर्टी की आवश्यकता पड़ सकती है। तो सेक्शन नंबर 46 प्रीसेप्ट की बात करता है, बहुत खास प्रोविजन है, आपसे मेंस और प्री में पूछा जा सकता है और इंटरव्यू में भी ये बात आपसे पूछी जा सकती है। सेक्शन नंबर 47 बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी, तो ये बात ध्यान रख लेना। आगे बढ़ जाते हैं, सेक्शन नंबर 50 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 52, ये दोनों साथ में पढ़े जाते हैं, तो 50 और 52 दोनों इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगली बात, 51 बहुत खास है क्योंकि यहां पर कैसे एग्जीक्यूशन करवाया जाना है 51 में बताया गया। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन हैं, एग्जीक्यूशन में तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना। आगे बढ़ जाते हैं, देखो एक सेक्शन नंबर 54 से जो है सवाल बनता है, सेक्शन 53 से सवाल बनता है, ये दोनों ही मैंने कहा कि एग्जीक्यूशन में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, सब पढ़ना है, सब इंपॉर्टेंट है वहां पे। आगे बढ़ जाते हैं, सेक्शन नंबर 55 से 59 तक की जो बात है, मैंने कहा अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये भी मेंस का सवाल है, मेंस का सवाल है। तो 55 क्या बताता है, पूरा प्रक्रिया बताता है कि भाई कैसे जो है वो अरेस्ट किया जाएगा। घर में जा सकते हो क्या, घर के दरवाजा तोड़ सकते हो क्या, किसी रूम के अंदर एंटर कर सकते हो क्या, रूम का दरवाजा तोड़ सकते हो क्या, मनी डिक्री का एग्जीक्यूशन है और वो पेमेंट कर रहा है तो क्या अरेस्ट कर सकते हो, अरेस्ट करने के बाद क्या करोगे, कोर्ट में लेकर आओगे, ये सारी बात 55 बता देता है। और 56 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ वुमेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर मनी, मनी डिक्री का अगर एग्जीक्यूशन है तो किसी महिला को अरेस्ट और डिटेन नहीं किया जा सकता, ये आपको ध्यान रखना है। सब्सिस्टेंस अलाउंस कौन पे करेगा, ये ऑर्डर 21 रूल 39 कहता है कि डिक्री होल्डर पे करेगा सब्सिस्टेंस अलाउंस, और डिसाइड कौन करेगा तो स्टेट गवर्नमेंट, कहां लिखा है, सेक्शन 57 में लिखा हुआ है। आगे बढ़ जाओ, 58 बहुत खास है, 59 बहुत खास है, 58, 59 अलग से इसमें मेंस में भी सवाल पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो डिटेंशन एंड रिलीज, किसी व्यक्ति को कितने समय तक के लिए डिटेन करके रखा जा सकता है, 5,000 से ऊपर का अमाउंट है आपका 3 महीने, अगर 2,000 से ऊपर 5,000 तक है तो 6 हफ्ते, और 2,000 से कम है तो किसी भी तरह का अमाउंट उसको, किसी भी तरीका का डिटेंशन उसमें नहीं किया सकता। ये सारी बातें आपको सेक्शन नंबर 58 में मिल जाएंगी। और डिटेंशन रिलीज ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस, रिलीज कौन कर सकता है, तो कोर्ट भी कर सकता है, कोर्ट वारंट कैंसिल भी कर सकता है, कोर्ट अरेस्ट करने के बाद रिलीज भी कर सकता है, और हो सकता है वो डिटेंशन में चला गया हो, डिटेंशन में चला गया हो उसके बाद भी अगर वो वहां पर कोई उसको सीरियस इलनेस हो गई तो कोर्ट उसको छोड़ सकता है, और साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी छोड़ सकती है। ये सारी बातें 59 में लिखी हुई हैं, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, बहुत खास सेक्शन, सेक्शन नंबर 60, किन किन प्रॉपर्टीज को जो है वो अटैच किया जा सकता है और किन प्रॉपर्टीज को अटैच नहीं किया जा सकता, इसकी पूरी लिस्ट आपको सेक्शन नंबर 60 में मिलेगी। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि देखो बाकी आपको सेक्शंस रेफर करने पड़ेंगे, जैसे सेक्शन नंबर 4 में बड़ा खास सी सवाल पूछा जाता है कि भाई अगर किसी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया, तो अगर किसी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है तो जिस व्यक्ति की वो प्रॉपर्टी है वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, और कर दिया तो ऐसा ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा, ये आपको ध्यान रख लेना है। ये बड़ा खास सवाल है, सेक्शन 65 बहुत खास सवाल यहां से पूछा जाता है कि परचेजर को, जो परचेजर है उसे टाइटल कब से मिला, जब सेल एब्सोल्यूट हुई तब, या जब सेल हुई थी तब, तो याद रखना जब सेल एब्सोल्यूट हुई तब नहीं, जब सेल हुई थी तब से, ये बात सेक्शन 65 में लिखी है। ये बहुत खास सवाल है, प्री का बहुत खास क्वेश्चन यहां से बनता है। इसके अलावा याद रखना 67 रीड कर लेना, सेक्शन नंबर 73 खास है, सेक्शन नंबर 74 बहुत खास है। यहां पर अगर कोई व्यक्ति एग्जीक्यूशन में रेजिस्टेंस करता है तो उसको 30 डेज की जो है डिटेंशन में रखा जा सकता है, ये बात यहीं पर लिखी हुई है सेक्शन नंबर 74 में, ठीक है। और 73 रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, तो ये भी बड़ी खास बात है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहां पर भी 74 हुआ, 73 हुआ, और आपका 55 से 59 हुआ,
फिर इसके अलावा 51, 52, 53, 54, 50, ये सब में से क्वेश्चन है। 47, 46 बहुत खास है, देख लो, 46 बहुत खास है, ये हमने देख लिया। 39 बहुत इंपॉर्टेंट है, 37 बहुत इंपॉर्टेंट है, 37 कि भाई कोर्ट विच पास द डिग्री का मतलब क्या होता है, तो ये यहां पर सारे मेंस का अपन ने यहां पर लिखा हुआ है, सब मेंस के। और याद रख लेना, जो मेंस के लिए जरूरी है वो प्री के लिए जरूरी है, जो मेंस के लिए जरूरी है वो प्री के लिए जरूरी है ही। हो सकता है जो प्री के लिए जरूरी है वो मेंस के लिए ना हो, बट जो मेंस के लिए वो प्री के लिए अपने आप बन जाता है। जहां मैंने मेंस लिखा है तो उसको कंफ्यूज मत होना कि सर तो मेंस के लिए पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मेंस के लिए पढ़ना है वो प्री के लिए बिल्कुल पढ़ना है। इसके अलावा सेक्शन नंबर 75 मेंस के लिए जरूरी, सेक्शन नंबर 77 की हेडिंग बहुत जरूरी है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के बारे में आपकी से हेडिंग पूछी जाती है, तो ये ध्यान रखना 75 मेंस के लिए जरूरी है। आगे बढ़ जाते हैं। अब फिर सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। 79, 80 बहुत जरूरी है, मेंस के लिए जरूरी है, और तो प्री के लिए तो अपने आप बन गए। अब देख लो, सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, किस नाम से आप उसको संबोधित करोगे, तो यूनियन ऑफ इंडिया या स्टेट का नाम, ये आपको पता होना चाहिए। नोटिस देना पड़ता है, 2 महीने का नोटिस देना पड़ता है, ये नोटिस कहाँ ड्रॉप करना पड़ता है, तो कंसर्न गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी है उसको, या रेलवे के जनरल मैनेजर को, या जम्मू कश्मीर की सरकार है तो उसके चीफ सेक्रेटरी को, या किसी और ऑथराइज पर्सन को, या कोई स्टेट गवर्नमेंट है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी दिया जा सकता है, जो सेक्रेटरी उसको दिया जा ही सकता है। ये नोटिस वाली बात हो गई। कोई पब्लिक सर्वेंट है उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर आपको सूट फाइल करना है, जो उसने एक्शन किया है ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो उसके ऑफिस में आपको जो है वो नोटिस छोड़ना पड़ेगा। क्या नोटिस हमेशा रिक्वायर्ड होता है? तो नहीं, जब अर्जेंट मैटर तो रिक्वायर्ड नहीं होगा। और अर्जेंट मैटर बोल के आपने सूट फाइल कर दिया और कोर्ट को लगा कि अर्जेंट नहीं है, तो रिटर्न ऑफ प्रिंट हो जाएगा। ये सारी बातें आपको 79 और 80 मिल जाएंगी। और इसके अलावा एक बड़ा खास प्रोविजन यहाँ पर है, सेक्शन नंबर 82 का, कि सरकार के खिलाफ कितने समय तक डिक्री एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो याद रखना, 3 महीनों तक डिक्री एग्जीक्यूट नहीं होगी, उसके बाद भी अगर सरकार ने नहीं किया कोई एग्जीक्यूशन, तो उसके बाद फिर जो है कोर्ट करवा सकता है। ये आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं। सेक्शन नंबर 86 की हेडिंग आपको याद रख लेनी है, 86 की हेडिंग आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है यहां पर, सेक्शन नंबर 88, सेक्शन नंबर 88 इंटर प्लीडर सूट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द कोड। जैसे रेस जुडिकेटा इंपॉर्टेंट है, रेस एब्राइज इंपॉर्टेंट है, जैसे डिक्री की डेफिनेशन जरूरी है, ठीक है, जैसे 37, 39 जरूरी है, 59 से 50, 55 से 59 तक के प्रोविजन जरूरी है, 60 जरूरी है, वैसे ही आपका 88 भी जरूरी है। इंटरप्लीडर सूट क्या होता है, कि जब एक व्यक्ति ये कहता है कि भाई प्रॉपर्टी है मेरे पास, बट मेरी मेरा इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं इस प्रॉपर्टी को लौटाने भी तैयार हूं, सिर्फ मुझे इस प्रॉपर्टी से जुड़े हुए अगर मेरे कोई खर्चे हो गए तो वो खर्चे मेरे को दे दो, सूटी कॉस्ट मेरे को दे दो, मुझे प्रॉपर्टी से कुछ भी और नहीं चाहिए, मैं लौटाने तैयार हूं, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि लौटाऊं किसको, तो उसने सूट फाइल कर दिया। जिन जिन लोगों के बीच में डिस्प्यूट था कि भाई किसकी प्रॉपर्टी, किसको लौटाऊं, उस सबको उसने पार्टी बनाया और सूट फाइल कर दिया कि सर आप ही बता दो मैं किसको लौटा दूं। ये सूट जो है वो इंटर प्लीडर सूट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। 89 याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस, मेंस के लिए उतना नहीं है बट मेंस के लिए भी पढ़ा जाना चाहिए इसको, या आप पढ़ सकते हो उसको, मेंस में पूछा जा सकता है। इसके अलावा 91, 92 बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने लोग सूट फाइल कर सकते हैं पब्लिक न्यूसेंस, तो एक तो एडवोकेट जनरल कर सकता है, या दो से ज्यादा लोग कर सकते हैं, भले ही उनको कोई स्पेसिफिक स्पेशल नुकसान ना हुआ हो। ऐसे ही पब्लिक चैटी से जुड़ा हुआ मामला कौन फाइल कर सकता है, एडवोकेट जनरल कर सकता है, या दो से ज्यादा लोग जिनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है वो कर सकते हैं। बहुत खास प्रोविजंस हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। 93 से प्री में सवाल पूछा जा सकता है, तो एक बार उसको रीड जरूर कर लेना। आगे बढ़ जाते हैं, ये तो बहुत खास प्रोविजन है आपके 94 और 95, प्री मेंस इंटरव्यू सभी के लिए जरूरी। क्यों? क्योंकि 94 के साथ बहुत खास ऑर्डर्स हैं,
ऑर्डर नंबर 38, 39, 40, ये सेक्शन 94 के साथ ही पढ़े जाते हैं, क्योंकि ये है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग। इंसिडेंटल चलती है आपकी 75 से लेकर के 78 तक, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग, और ये आपका है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग जो कि चलता है 94 से 95 तक। ये प्री के भी सवाल है कि कहां से कहां तक चलते हैं, तो ये जरा ध्यान रख लेना। आगे बढ़ जाते हैं 96 प्री मेंस इंटरव्यू सबके लिए जरूरी, 97 प्री मेंस इंटरव्यू सबके लिए जरूरी। 97 पे स्पेसिफिक सवाल आए जरूरी नहीं है, बट डिग्री पे अगर कभी सवाल पूछा गया तो 97 उसमें जोड़ा जा सकता है। 96 पे सवाल पूछा गया तो 97 उसमें जोड़ा जा सकता है, आप 97 वहां पर लिखोगे अगर पूछा गया है तो। 97 हुआ, 96 हुआ, 97 हो गया। 98 प्री के लिए जरूरी है, 99 रेफर करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर लोअर कोर्ट में कोई मिस ज्वाइंडर हो गया है, कोई नॉन ज्वाइंडर हो गया, कोई इररेगुलरिटी हो गई, तो केवल इन कारणों से किसी अपील में डिग्री को रिवर्स या मॉडिफाई नहीं किया जाएगा। ये 99 में ही लिखा हुआ, ये बहुत खास प्रोविजन है, ये इतना खास है कि हो सकता है कि कभी काम ना आए, बट इतना भी इंपॉर्टेंट है कि कभी प्री मेंस इंटरव्यू हर जगह काम आ सकता है। आपसे इंटरव्यू में भी 99 से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जा सकता है, तो यह आपको ध्यान रखना है। आगे आ जाते हैं, यहां से सेकेंड अपील सेक्शन नंबर 100, इसकी हेडिंग आपको याद रखनी है, सेकेंड अपील कब हो सकती है ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 100A प्री के लिए जरूरी है, मेंस के लिए बहुत खास नहीं है। इसके अलावा ये सब एक बार आप रीड कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा बट आप इसको रीड जरूर करना, ये सजेशन है आपको। 104 बहुत जरूरी है, किन किन ऑर्डर से अपील हो सकती है यहीं पर बताया गया है, और साथ में ऑर्डर 43 मिलता है, बट ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ जाओ, 100 107 पावर्स ऑफ एपीलेट कोर्ट, और जब आप ये पढ़ोगे तो एक बड़ी खास बात आपको बता दूं, ऑर्डर नंबर 41 के रूल नंबर 23, रूल नंबर 25 और रूल नंबर 27 बहुत जरूरी है, इसी के साथ पढ़े जाते हैं, इसी प्रोविजन के साथ पढ़े जाते हैं, तो जरा ध्यान रख लेना। आगे बढ़ जाओ, 109 की हेडिंग आप याद रख सकते हो, 113 14 15 प्री मेंस इंटरव्यू सबके लिए जरूरी, रेफरेंस रिव्यू रिवीजन तीनों के लिए जरूरी, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाओ, अब यहां से ये सारे आप एक बार रीड कर सकते हो, ये सब प्री के लिए जरूरी है, मगर मगर बड़ी खास बात कि कई बार आपसे 135 और 135A को कंबाइन करके एक सवाल पूछा जा सकता है, एग्जेम्पशन फ्रॉम अरेस्ट अंडर सिविल प्रिजन, एग्जेम्पशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन। सीधे सवाल पूछेंगे आपसे कि अरेस्ट एंड डिटेंशन से किस किस को छूट प्राप्त है, एग्जेम्पशन प्राप्त है, 135, 135 और ए। और एक बात और याद रखना, कभी पर्सनल अपीयरेंस से किस किस को छूट है, किस किस को पर्सनली अपीयर होने के लिए नहीं बोला जा सकता, 132 और 133 ये आपसे पूछे जा सकते हैं कभी, तो इसको भूलना बिल्कुल नहीं है, इसको याद रखना है। आगे बढ़ जाओ, ये सारे आपके जो है वो प्री के लिए जरूरी है, मगर अब आते हैं अपन लोग 144 मेंस के लिए जरूरी है, 144 मेंस के लिए जरूरी है, तो इसको आपको याद रखना है। ये इसमें इस सेक्शन के अंतर्गत जो ऑर्डर होता है उसे डीम डिक्री माना गया है, डिक्री की डेफिनेशन में ये आपको पता होगा। इसके अलावा ध्यान रखना है 148 से लेकर के 151 तक ये मेंस के प्रोविजन है, ये आपको ध्यान रखना है। 152 कंबाइंड ये सब आप साथ ही में लिखोगे, अगर आपसे इनहेरेंट पावर पूछा जाता है ना, तो 148, 148A, 149, 150, 148 एक कैवियट है, तो ये भी ध्यान रखना कि कैवियट पे आपसे स्पेसिफिकली अलग से मेंस में सवाल पूछा जा सकता है कैवियट पे सिर्फ, और इनहेरेंट पावर पूछा जाएगा तो 148 से लेकर के 153A तक सारे ही लिखने हैं आपको, ठीक है। अगर सवाल पूछा गया व्हाट आर द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट, तो 148 से 153A तक सारे लिखने हैं। 153B की हेडिंग आपके लिए जरूरी है कि प्लेस ऑफ ट्रायल टू बी डीम्ड टू बी ओपन कोर्ट, ये आपको ध्यान रख लेना है।
ठीक है। और जो मैंने आपसे कहा जो मेंस के लिए जरूरी है वो प्री के लिए अपने आप जरूरी है, तो ये पोर्शन आपके लिए प्री के लिए भी जरूरी है, मेंस के लिए भी जरूरी है, और ये तो इंटरव्यू के लिए भी बहुत जरूरी है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है वो पोर्शन जो कि आपको ध्यान रखना है आपके सेक्शन से, जो कि आपके प्री और मेंस के लिए जरूरी है। अब यहां पर 51 ऑर्डर्स भी हैं, तो एक बार जरा देख लेते हैं कि कौन ऑर्डर्स जो हैं उसमें कौन कौन से रूल्स हमारे लिए जरूरी है। तो जरा देखते हैं आपका, सबसे पहला है पार्टीज टू द सूट, तो ऑर्डर नंबर 1 में से जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं वो है रूल नंबर 1 से लेकर के रूल नंबर 3A तक। इसके अलावा रूल नंबर 8, रूल नंबर 9, रूल नंबर 10, रूल नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, आपको याद रखना है। 8 से मेंस में सवाल बनता है, 10 से मेंस में सवाल बनता है, नॉन ज्वाइंडर मिस ज्वाइंडर से आपका मेंस में सवाल बनता है कि ये क्या होते हैं और इसका इफेक्ट क्या होता है, तो ये आपको रूल नंबर 9 में मिल जाए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस है, इसको जरूर ध्यान से पढ़ लेना। आगे बढ़ जाओ, आते हैं ऑर्डर नंबर 2 पे। ऑर्डर नंबर 2 पे एक प्रैक्टिकल सवाल है जो कि बनता है ऑर्डर 2 रूल 2 से। ऑर्डर 2 रूल 2 से सवाल बनता है कि भाई सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम, रिलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम, ओमिशन टू सू फॉर वन ऑफ सेवरल रिलीफ। आपको पता है कि जो भी सूट फाइल करो एक बार में जो मांगना है मांग लो, आप रिलिंक्विश नहीं कर सकते, या कोर्ट की परमिशन के बिना आप ओमिशन जो है वो नहीं कर सकते। सारी बातें ऑर्डर 2 रूल 2 में दी हुई है। इसके अलावा जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन के बारे में भी यहीं पर बात करी हुई है, तो ये आप जरूर पढ़ लेना। ये हुआ ऑर्डर 2। ऑर्डर नंबर 3 में मेंस में उतना खास सवाल नहीं बनते, बट फिर भी सजेस्ट करूंगा कि रूल नंबर 4 आपको जरूर पढ़ना है। यहां से एक बार या शायद दो बार राजस्थान में सवाल पूछा गया है, ठीक है, मेंस से पूछा गया है, तो जरा ध्यान रखना ऑर्डर नंबर 4 से मेंस से सवाल नहीं पूछे जाते, बट प्री में आपको बता दें कि डुप्लीकेट में सूट फाइल प्लेंट फाइल किया जाएगा, वो यहीं पर लिखा है। प्लेंट में कौन कौन से ऑर्डर्स को फॉलो करना है, तो 6 और 7 को, ये भी यहीं पर लिखा हुआ, ये प्री के सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हुआ हमारा ऑर्डर नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर नंबर 5 पर जाते हैं जो कि समन की बात करता है। एक बहुत खास सवाल यहां से बनता है कि कॉपी ऑफ प्लेंट एनेक्स टू अ समन, जब समन जाएगा तो प्लेंट की एक कॉपी, लिखा है ध्यान से पढ़ना, अ कॉपी ऑफ प्लेंट उसमें अटैच होगी, तो ये सवाल पूछा हुआ है, तो इसको जरूर आपको ध्यान रखना है। अगेन देखते हैं कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स इसमें कौन कौन से, तो 9 है, 9A है, 10 है, इसके अलावा 15 है, 17 है और 20 है, ये बड़े खास हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। खास करके रूल नंबर 15 कि वेयर सर्विस में भी ऑन एन एडल्ट मेंबर ऑफ डिफेंडेंट्स फैमिली, याद रखना एडल्ट मेंबर, मेल मेंबर नहीं लिखा, तो सीआरपीसी में यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे एडल्ट मेंबर लिखा है। और याद रखना है जो 20 है उसमें तो मेंस में भी सवाल पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा रीडिंग पर्पस के लिए थोड़ा सा ध्यान रख लें कि अगर रीडिंग पर्पस के लिए आप इसमें रूल नंबर 24, रूल नंबर 24, रूल नंबर 25 की हेडिंग जरा जरूर पढ़ लेना, 27, 28 और 30 की हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 की हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर प्रिजन में है तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ प्रिजन को आप भेज दोगे, समन कोर्ट समन उसको सर्व कर देगा, ये सारी बातें 24 में लिखी हुई है। तो ये वो रूल्स मैंने आपको बता दिए जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, बट मेंस के लिए आपको जो ध्यान रखना है वो रूल नंबर 20 है। इसके अलावा समन्स पे जनरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो फिर तो जितने रूल्स मैंने मार्क किए हैं वो सारे आपको लिखने पड़ेंगे, तो ये सारे फिर आपको रीड करना पड़ेगा उसके लिए, बट मेजरली जो नहीं छोड़ना है वो हमने पोर्शन मार्क कर लिया। आगे बढ़ जाते हैं, ऑर्डर नंबर 6 पे आते हैं, प्लीडिंग जनरली बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है मेंस में जो यहां सवाल बनता है वो आप जरा देख लो, ये आ गए अपन अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग पे सवाल बनता है, और 17 और 18 साथ में ही चलते हैं, ये आपको पता होगा। बाकी प्लीडिंग जो है उसमें प्लेंट और डब्ल्यूएस दोनों ही इंक्लूड है, ये आपको रूल नंबर 1 में लिखा मिल जाएगा।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो रूल नंबर 17 और रूल नंबर 18 है। अगर कोर्ट ने कोई टाइम नहीं दिया तो 14 डेज के अंदर अमेंडमेंट करना, रूल नंबर 18 में ये बात लिखी हुई है। अच्छा, इसके अलावा सेकेंड स्टेज जो इंपॉर्टेंट बन जाता है वो रूल नंबर 15 और रूल नंबर 16 बनता है। और भी इसके थोड़ा सा अपन देखें तो 14 और 14A, मतलब हम लोग को ये समझ में आया कि जो इस ऑर्डर से ना छोड़ने वाले रूल्स हैं वो 1 और ये 14 से लेकर के जो 18 तक है ये हमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, रीड तो पूरा ही करना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, ऑर्डर नंबर 7 पे आ जाओ। बहुत खास ऑर्डर है, सभी को पता है, यहां पर रिटर्न ऑफ प्लेंट की बात करी है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की बात करी है। तो रिटर्न ऑफ प्लेंट रूल नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजेक्शन जो कि 7-11 बात करी हुई है, ये दोनों ही बहुत खास है। ऑर्डर पूरा ही इंपॉर्टेंट है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको ऑर्डर 7 में बाकी सारी बातें नहीं पढ़नी, पूरा ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, बट जो बातें नहीं छोड़ना, छोड़ना ही नहीं है, वो है 10 और 11, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और साथ में 10A और 10B, ये पूरा आपको पढ़ना है। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि जब 11 पढ़ोगे तो 12 और 13 तो साथ में चलता है, 12 13 तो साथ में चलता है, तो ये भी हमको पढ़ लेना है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, आ जाओ ऑर्डर नंबर 8 पर। तो ऑर्डर नंबर 8 अगेन मैं वही कहूंगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं प्री हो मेंस हो, जो ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं वो आपके 1 से लेकर के 10 तक की ऑर्डर के बनते हैं, साथ में 14 15, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ पोर्शन और भी है जो कि जरूरी है, बट यहां से मेरे से काफी सवाल बनते हैं। तो देख लो, अब जब आ गए हम लोग ऑर्डर नंबर 8 पर, तो इसमें 3 4 5 की जो कॉम्बिनेशन है, रूल्स ऑफ डिनाइल क्या होते हैं, वो यहां से निकलेगा, मेंस का सवाल है। इसके अलावा 6 सेट ऑफ और काउंटर क्लेम 6A से लेकर के 6G, ये पूरा जरूरी है, खास करके 6A तो है ही और 6D बहुत जरूरी है। अगर सूट डिसकंटिन्यू हो जाता है, सूट डिसकंटिन्यू हो गया तो काउंटर क्लेम कंटिन्यू होगा, ये बात 6D में ही लिखी हुई है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। इसके अलावा रूल नंबर 9 और रूल नंबर 10, देखो पढ़ना तो पूरा ही है, ये ऑर्डर 1 से लेकर के 9 तक मिनिमम बोल रहा हूं, आप कुछ नहीं छोड़ सकते, कुछ भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, ऑर्डर नंबर 9 पे आ जाओ। अभी मैंने कहा था कि 9 में तो कुछ भी नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं, सारे के सारे रूल्स आपको पढ़ने हैं, आपको याद होने चाहिए। प्लेंटिफ नहीं आएगा तो क्या होगा, डिफेंडेंट नहीं आएगा तो क्या होगा, दोनों नहीं आएंगे तो क्या होगा, अगर प्लेंटिफ ने प्रोसेस फीस जमा नहीं करी है तो क्या होगा, समन सर्व नहीं हुआ है, समन लौट कर आ गया है और फिर 7 दिन के अंदर उसको फीस जमा करनी थी, नहीं करी है तो क्या होगा, अगर एक्सपायर्ड डिक्री आ गई है तो क्या होगा, ये सारी बातें आपको ऑर्डर 9 में मिलेंगी। कुछ भी छोड़ने लायक यहां पर नहीं है, प्री मेंस इंटरव्यू हर जगह काम की चीजें हैं। आगे बढ़ जाते हैं, ऑर्डर नंबर 10, यहां पे फर्स्ट हियरिंग होती है, और आपको पता है कि ऑर्डर नंबर 10 के साथ हम लोग ऑर्डर नंबर 14 और ऑर्डर नंबर 15 पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन साथ में चलता है 10 14 और 15, क्यों, क्योंकि अगर ऑर्डर नंबर 10 में जो फर्स्ट हियरिंग हो रही है वहां पे कोर्ट डिस्प्यूट पता कर रहा है कि भाई डिस्प्यूट अल्टीमेटली है क्या, डिस्प्यूट होगा तो इश्यू फ्रेम में होंगे 14 में, नहीं होगा तो 15 में, फर्स्ट हियरिंग पे ही सूट डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। तो ये आपको कॉम्बिनेशन पूरा पढ़ना है 10 14 और 15 का। आगे बढ़ जाते हैं, ऑर्डर नंबर 11 पे आते हैं, प्री के लिए जरूरी है, मेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बट एक बार आपको जो ऑर्डर है 11 उसका रूल 21 बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, रूल 21 बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर डिस्कवरी या इंस्पेक्शन का कोर्ट ने आदेश किया और उसको फॉलो नहीं किया तो क्या होगा, ये रूल नंबर 21 ही हमको बताता है। इसके अलावा ऑर्डर नंबर 12 पे आ जाओ, तो अगेन मैं मेंस के लिए इसको बहुत ज्यादा जरूरी नहीं कहूंगा, बट फिर भी इसका रूल नंबर 1, रूल नंबर 4, रूल नंबर 6 बहुत जरूरी है, ये आपको पढ़ना है। आगे बढ़ जाते हैं, ऑर्डर नंबर 13, हेडिंग को याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट। प्रोडक्शन मतलब क्या, डॉक्यूमेंट पेश करो, ओरिजिनल इश्यू फ्रेमिंग से पहले ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट पेश करने पड़ेंगे कोर्ट में। इंपाउंडिंग, कोई डॉक्यूमेंट फर्जी है, गलत है पाया गया तो कोर्ट जब्त कर लेगा, इंपाउंड कर लेगा, सही है तो किसी
केस खत्म होने के बाद रिटर्न कर देगा। ठीक है, ऑर्डर नंबर 13, आगे बढ़ जाओ। ऑर्डर नंबर 14 अभी बताया, इंपॉर्टेंट है, 10 14 15 साथ में पढ़े जाते हैं, तो ये आपको साथ में पढ़ना। देखो लिखा है डिस्पोजल ऑफ सूट इन द डिस्पोजल ऑफ सूट एट फर्स्ट हियरिंग, ये लिखा है डिस्पोजल ऑफ सूट इन द एट द फर्स्ट हियरिंग। आगे बढ़ जाते हैं, देखो समन्स एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस 16 और 16A। ठीक है, अगेन इसमें 16 एक बार आप रीड कर लो, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है मगर मेंस में सवाल यहां से बन सकता है, तो ऑर्डर 16 आपको पढ़ना है। 16A में एक बड़ी खास चीज है, क्योंकि 16 और 16A दोनों ही बात करते हैं विटनेस को समन करने की, तो 16A में एक बात आपसे पूछी जाती है कि भाई कब कब एक ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन मना कर सकता है। भाई 16 और 16 दोनों विटनेस को समन करने की बात क्यों कर रहे हैं, कि 16 ये बात कर रहा है जब विटनेस प्रिजन में हो, तो आप ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन को जो है वो समन भेजोगे कि भाई विटनेस को लेकर आओ। अब क्या वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन एब्सटेन कर सकता है कि नहीं सर मैं नहीं लेकर आ सकता, तो आपसे पूछा जाएगा कि किन किन ग्राउंड्स पर, किन किन ग्राउंड्स पर एक ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन जो है वो मना कर सकता है, एब्सटेन कर सकता है कि मैं इसको लेकर नहीं आ सकता। ये मेंस का भी सवाल है, प्री में तो है इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक बात पूछी जाती है कि प्रिजन वर्ड को सीपीसी में कहां डिफाइन किया गया है, याद रखना एक बार रूल सिक्स ऑर्डर 16 का रूल 1 पढ़ना, हम प्रिजन वर्ड को डिफाइन किया, ये प्री का सवाल है, बड़ा खास है, तो जरा ध्यान रखना इसको। आगे बढ़ जाते हैं, एडजर्नमेंट हेडिंग, याद रखना एक पार्टी को मैक्सिमम 3 एडजर्नमेंट्स मिल सकते हैं, ये रूल नंबर 1 में ही लिखा हुआ है, आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा ऑर्डर नंबर 18 बहुत खास है, खास करके इसका रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 एविडेंस रिकॉर्ड कैसे होता है, यहीं पर लिखा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन सभी सवाल है, तो बिल्कुल मिस आपको नहीं करना। आगे एफिडेविट हेडिंग याद रख लेना, आगे बढ़ जाओ। जजमेंट एंड डिक्री में देखते हैं, जजमेंट एंड डिक्री पे जनरली सवाल पूछा जा सकता है, प्री में भी यहां सवाल बनता है कि भाई कहां कहां पर प्रिलिमिनरी डिग्री पास हो सकती है, तो ऑर्डर नंबर 20, रूल नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 18, इन हर जगह प्रिलिमिनरी डिग्री पास हो सकती है, बाकी और कहीं नहीं होती। इसके अलावा एक बड़ा खास सवाल है यहां पर कि डिग्री का प्रिपरेशन ये है जब जजमेंट पास हो उसके 15 दिनों के अंदर, इसके अलावा डिग्री में डेट कौन सी होगी, जजमेंट जिस दिन प्रोनाउंस हुआ था उस दिन की डेट होगी, ये आपको ध्यान रखना है, तो रूल नंबर 1 आपको पढ़ना है, इसका इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 4 आपको पढ़ना है कि जजमेंट के कंटेंट्स क्या क्या होंगे, डिग्री के कंटेंट्स क्या क्या होंगे, रूल नंबर 6 में लिखा है, साथ में 6A, 6B, रूल नंबर 7 आपको पढ़ना है। इसके अलावा एक बड़ी खास बात यहां पे दिखी है, देखो रूल नंबर 11, डिग्री में डायरेक्ट पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स, ऑर्डर आफ्टर डिग्री फॉर पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स, डिग्री पास हुई या जब डिग्री पास हो रही है, डिग्री पास होने के बाद कोर्ट आदेश दे सकता है कि भाई पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में कर लो, ये बात यहीं पर दी है, ये रूल बहुत जरूरी है, प्री में कई बार पूछा गया है, उसको ध्यान रख लेना। आगे बढ़ जाओ, इसके अलावा ये जो रूल नंबर 19 है ना, यहां पर बात करी है काहे की, यहां पर बात करी हुई है इक्विटेबल सेट ऑफ की, तो ये प्री का सवाल है और इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है, मेंस में इक्विटेबल सेट ऑफ लिखने आता है कभी, तो यहीं से वो प्रोविजन आपको निकालना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, कॉस्ट इसकी हेडिंग बस आपको याद रखनी है, एग्जीक्यूशन पे आ जाओ, तो एग्जीक्यूशन है आपका ऑर्डर नंबर 21, देखो बहुत वैसे तो इसमें 106 रूल्स हैं बट जो रूल्स आपको नहीं छोड़ने हैं तो वो हम देख लेते हैं, रूल नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, ये आप बिल्कुल नहीं छोड़ना। इसके अलावा रूल नंबर 10 है, 11 है, 10 है, 11 है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखने। देखो मेंस में जब हम एग्जीक्यूशन की बात करते हैं ना तो सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कंपेयर टू ऑर्डर 21, बट फिर भी कुछ रूल्स हैं जो कि बहुत जरूरी हैं। अच्छा, इसके अलावा आप जो इसके अलावा आप रूल नंबर 30, 31, 32
ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ने हैं, आगे बढ़ जाओ। इसके अलावा यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गार्निशी का। गार्निशी का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 46A पर आ जाओ। ये देखिए गार्निशी का प्रोविजन है ये 46A से लेकर के 46I तक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ये मेंस का भी सवाल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, अब जनरली जब हम बात करते हैं सेल की, क्योंकि अटैचमेंट और सेल एक मोड है एग्जीक्यूशन का, तो याद रखना 64 आपका रूल नंबर 64, रूल नंबर 65 ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा रूल नंबर 72, रूल नंबर 74, रूल नंबर आपका 75, इसके अलावा आपको जनरल आप 77 आप पढ़ सकते हो, 84 और 85 आपको पढ़ने हैं। ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि आपको मिस नहीं करने, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, और कौन कौन से रूल्स यहां पर इंपॉर्टेंट है, तो 97 से लेकर के 106 तक आप सारे ही पढ़ सकते हो, 97 से लेकर के 106 तक सारे पढ़ सकते हो, जिसमें से प्री में सवाल जो है वो आपका सेक्शन नंबर 105 और 106 से भी बनता है। ये प्री के लिए बहुत जरूरी प्रोविजंस है दो, तो ध्यान रखना इस बात। आगे बढ़ जाते हैं, ऑर्डर नंबर 22 डेथ मेल्ज इंसॉल्वेंसी एक बार रीड कर लेना। 23 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1, 2, 3, 3A बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इसको जरा आपको पढ़ना है अच्छे से, और मेंस के लिए भी जरूरी है ही। आगे आ जाओ, ऑर्डर नंबर 24 एक बार रीड कर लेना, आगे 25 रीड कर लेना, 26 मेंस क्योंकि अपन ने 70 पढ़ा, 75 से लेकर के 78 तक की जो प्रोविंस है इंसिडेंटल प्रोसीडिंग, उसके साथ ही आप ऑर्डर नंबर 26 पढ़ते हो। 27 जो अपन लोगों ने सेक्शन नंबर 79 और 80 पढ़ा, यानी कि सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, उसको अपन लोग पढ़ते हैं ऑर्डर नंबर 27 के साथ, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाओ, बाकी सारे ये जो ऑर्डर्स हैं, ये ऑर्डर्स ये आप इसकी प्लेन रीडिंग बिल्कुल लगा सकते हो, बट अब मैं आपको और कुछ ऑर्डर्स बताऊंगा जिन ऑर्डर्स में आपको ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और प्री के लिए तो है ही, तो उसमें अपन एक बार और थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। ऑर्डर 32 पर आ जाओ, ऑर्डर 32 पर आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना, सूट बाय और अगेंस्ट माइनर्स एंड पर्संस ऑफ अनसेटलमेंट पूरा पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। आगे आ जाओ ऑर्डर नंबर 33 पर, अगेन सूट रिलेटिंग टू मैटर्स कंसर्निंग टू फैमिली, एक बार सॉरी 32A आप रीड कर सकते हो, ये रीड कर सकते हो आप। मेंस के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सूट बाय इंडिजेंट पर्सन, पूरा पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक है। आगे अब आ जाओ ऑर्डर नंबर 35 पर, पूरा पढ़ना है, अभी जो अपन ने पढ़ा था ना सेक्शन नंबर 88 इंटरप्रेटर सूट, उसी के साथ अपन ऑर्डर 35 पढ़ते हैं, तो मैंने कहा कि वो जितना इंपॉर्टेंट है ऑर्डर भी उतना इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं छोड़ना। आगे बढ़ जाओ, और खास करके ध्यान रखना इसका जो रूल 5 है, रूल 5 और रूल 5 के दो इलस्ट्रेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको मिस नहीं करना। आगे बढ़ जाओ, अब आ जाते हैं ऑर्डर नंबर 37, बहुत जरूरी है, खास करके इसका रूल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी जरूरी है। ऑर्डर नंबर 38 अटैचमेंट एंड अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट बताया था, जब आपको 94 के बारे में मैंने बताया था तो कहा था ना कि 38 39 40 उसी बात पढ़ते हैं। 38 क्या है, अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, ठीक है, 38 पूरा जरूरी है, कुछ नहीं छोड़ना। आगे बढ़ जाओ, टेम्पररी इंजंक्शन 39 एंड अदर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स पूरा जरूरी है, कुछ नहीं छोड़ना।
आगे बढ़ जाओ, और ये मैं बता रहा हूँ 37, 38, 39, 40 प्री मेंस इंटरव्यू सबके लिए जरूरी, ठीक है। आगे रिसीवर ऑर्डर नंबर 40 अगेन सेक्शन नंबर 94 के साथ पढ़ते हैं, पूरा पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक। आगे अब आते हैं ऑर्डर नंबर 41 पर, तो याद रखना ऑर्डर नंबर 41 में जो आपको मिनिमम रिक्वायर्ड पढ़ना है वो है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाओ, आ जाओ रूल नंबर 23, 25, 27, 23, 25 और 27, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, प्री मेंस इंटरव्यू ये हर जगह काम में आएंगे। आगे बढ़ जाओ, अब आ जाओ 46 और 47 पर। अब आ जाओ 46 और 47 पर, तो देख लो ये है आपका रेफरेंस और रिव्यू, दोनों इंपॉर्टेंट है। ज्यादा ज्यादा जो है वो आपका रिव्यू इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस में आप 1 और 2 पढ़ लीजिए, और रिव्यू में भी 1 और 3 ये आप मिनिमम पढ़ लीजिए, बाकी तो पूरी रीडिंग आपको करनी ही है। ये वो पोर्शन है जो आपको पूरे सीपीसी में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अब आप बोलोगे सर इसमें तो मैक्सिमम बातें हमने मार्क कर ली, तो देखो ये मैक्सिमम बातें हैं जो हमने मार्क करी हैं, इसी से आपका मेंस के भी सवाल बनते हैं, इंटरव्यू के सवाल भी बनते हैं, और प्री के तो बनते ही हैं। देखो प्री के लिए पूरा बेयर एक्ट जरूरी है, प्री के लिए कुछ नहीं छोड़ना, पूरी बेयर एक्ट रीड तो करनी ही पड़ेगी, और ज्यादा से ज्यादा जो है वो आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने पड़ेंगे। मगर मेंस में जो सिलेबस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ज्यादा फोकस्ड रहता है, और मैक्सिमम चीजें जो हमने यहाँ पर डील की हैं वो मेंस वाली भी मैंने आपको बताई कि क्या क्या मेंस के लिए जरूरी है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी बिल्कुल कर लें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।